नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। नक्सली संगठन PLFI में आपसी विवाद शुरू हो गया है। संगठन ने अपने ही एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि PLFI के एरिया कमांडर संतोष कंडुलना के दस्ते ने आपसी विवाद के कारण अपने ही साथी सुरेश लोंगा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने सबको दफना दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को कब्र से बाहर निकाला। इस दौरान पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा ने इस घटना की पुष्टि की है। जारी घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र में हुई है। सुरेश लोंगा गुदड़ी थाना क्षेत्र के साउदी उली गांव का रहने वाला था। पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि नक्सली संगठन PLFI के दिनेश गोप, मार्टिन क्रिकेट्टा और जिदन गुड़िया के निर्देश पर संतोष कंडुलना और साहू के दस्ते द्वारा टोमडेल पंचायत के साउदी उली के जंगल में सुरेश की हत्या कर दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक अभियान SDPO चक्रधरपुर और पुलिस निरीक्षक सोनुआ के नेतृत्व में CRPF के 60 बटालियन के सहयोग से मृतक के शव को कब्र से बाहर निकाला गया। पुलिस ने इस मामले में गुदड़ी थाना में मार्टिन, जिदन, दिनेश गोप, संतोष कंडुलना व साहू और इनके दस्ता सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। माना जा रहा है कि आपसी विवाद के कारण ही नक्सलियों ने अपने ही साथी को मौत के घाट उतार दिया। ACC सीमेंट वर्कर्स झिकपानी वैश्विक महामारी के संकट काल में अति निर्धन, निसहाय और दिव्यांग लोगों की मदद के लिए आगे आया है। ACC के द्वारा मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी, होमलेस भोजनालय में राशन उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्न से भरी वाहन का समाहरण नाले परिसर में जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जारी इस जंग में जिले में रह रहे सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। CSR फंड के तहत समाज कल्याण विभाग के सहयोग से संचालित मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी होमलेस भोजनालय शुरू किया गया है। इस भोजनालय के माध्यम से वैसे व्यक्ति जो अपना भोजन पकाने में स्वयं सक्षम नहीं है, वैसे सभी लोगों तक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी होमलेस भोजनालय का संचालन किए जाने का निर्णय लिया गया था। होमलेस भोजनालय में अनाज की कमी नहीं हो, इसके लिए ACC सीमेंट वर्कर्स द्वारा अनाज और 2000 मास्क उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी होमलेस किचन जो हम लोगों ने पूरे जिला में 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में चालू किया है, उसी क्रम में ACC को 26 तारीख के बाद से सप्लाई किए जाने का समय निर्धारित किया गया था। तो आज ACC ने 385 पैकेट और 15 पैकेट झिकपानी में उपलब्ध किए, यानी कि 400 पैकेट अनाज का और उसके अलावा 2000 मास्क हम लोगों का उपलब्ध कराया है। तो जिन केंद्रों में अभी जाना बाकी था वहाँ आज हम लोग ये सब उपलब्ध करा देंगे। इस प्रकार से ये 3-4 जो संस्थाएं हैं सेल, ACC और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिलीजुली प्रयास से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गरीब, बेघर, असहाय लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। और इसी कड़ी में आज ACC चिकानी का ये प्रयास, ये जब तक लॉकडाउन की स्थिति चलती रहेगी तब तक हम लोग चलाते रहेंगे। अगर बढ़ता है तो 3 के बाद, उसके बाद आगे बढ़ता है तो हम लोग फिर से कोशिश करेंगे किसे और बढ़ाएंगे। जिला के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू करने का प्लान बनाया गया है। तो चरणबद्ध तरीके से हर आंगनबाड़ी केंद्र में सामान पहुंचाया जा रहा है। कुछ में पहुंच चुके हैं, अधिकांश में, अभी बहुत में पहुंचना बाकी है। जो आज प्राप्त हुआ है आज इससे पहुंचाया जा रहा है। कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए एहतियातन लगाए गए लॉकडाउन के दरमियान केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम आदेश के तहत समाज के कई वर्गों को लाभ होता नजर आ रहा है। लॉकडाउन 2 में कृषि क्षेत्र को छूट दिए जाने के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले में धान अधिप्राप्ति केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है, जिससे खरीफ की फसल लेने वाले किसानों को अपनी फसल धान अधिप्राप्ति केंद्रों में बेचने का अवसर मिल गया है। सुदूरवर्ती आनंदपुर प्रखंड के लैंपस में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए किसान अपनी फसलों को लेकर पहुंच रहे हैं। मैं संजीवन साहू ग्राम आनंदपुर का निवासी हूं। जो भी किसान भाई दे रहे हैं वो
सब खुश हैं और सही सलामत सबका पैसा भी आ रहा है और इसमें किसान उत्साहित जितने भी मेरे किसान भाई हैं भारी से भारी संख्या में दें, इसके लिए सरकार की ओर से बड़ा वो छूट दिया जाए। आनंदपुर के किसान संजय महतो का कहना है कि जो धान की फसल उन्होंने खरीफ में ली थी उनका सही दाम अब सरकार के इस नए आदेश के बाद उन्हें मिलने लगा है। मैं संजय महतो, गांव तेंतोल्डी, प्रखंड आनंदपुर, जिला सिंह पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड का निवासी हूं और प्रथम लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा किसानों को दिया गया छूट के अनुसार लेम्स में अब फिर से धान खरीदारी हो रहा है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और लेम्स का जितना भी कर्मचारी हैं हम लोग को बहुत सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए हम उन लोग का धन्यवाद करते हैं। लैंपस के सचिव सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन 2 में धान अधिप्राप्ति केंद्रों को खोलने के बाद किसानों को लाभ मिल रहा है, इसके लिए सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया है। मैं चंदन कुमार सिंहदेव, आनंदपुर लेम्स सचिव। कोरोना की इस विषमतम लड़ाई में सरकार द्वारा जो भी धान क्रय किया जा रहा है और किसानों से लिया जा रहा है धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि इस संकट के घड़ी में सरकार हम लोग को सहायता प्रदान करे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देश पर नगर परिषद कार्यालय के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों और सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से सोमवार को जिला बार एसोसिएशन चैबासा परिसर स्थित भवन और अधिवक्ताओं के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर में बैठने वाले स्थान को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान कोर्ट रोड के आसपास के स्थानों को भी सैनिटाइज किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव रामेश्वर प्रसाद, संयुक्त सचिव आशीष कुमार सिन्हा, राजाराम गुप्ता मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान किसी को खाने पीने के सामान की परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति लगातार सक्रिय हैं। जो लोग फोन पर संपर्क कर उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं उन्हें जिला प्रशासन के सहयोग से खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष खुद भी क्षेत्र में घूमकर लोगों की समस्याओं से अवगत हो रही हैं। जहां खाद्यान्न के लिए किसी तरह की परेशानी है उसका समाधान कर रही हैं। आज उन्होंने अपने आवास पर जरूरतमंद लोगों के बीच चावल का वितरण किया। वहीं दूसरी ओर रेहत फाउंडेशन की ओर से आज 14वें दिन सिंह पोखरिया गांव में करीब 300 लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। लोगों के बीच सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी वितरण किया गया। फाउंडेशन के प्रवेक्षक अमित दोराई, श्याम खंडेलवाल, चिंटू शाह और पिंटू शाह की मौजूदगी में लोगों के बीच भोजन और सॉफ्ट ड्रिंक्स का वितरण किया जा रहा है। रमजान के दौरान शहर के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस प्रशासन को परेशानी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से शहर के बड़ी बाजार क्षेत्र में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उससे यह साफ हो गया है कि मुसीबत की इस घड़ी में सभी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और उसका निर्वाह भी कर रहे हैं। बड़ी बाजार क्षेत्र की यह तस्वीरें स्थिति को बयां कर रही हैं, किस तरह लोग शांतिपूर्ण माहौल में रमजान मना रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने के लिए सुरक्षा स्टोर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम आम लोगों को उनके रोजमर्रा के आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। उपायुक्त ने सभी आपूर्तिकर्ता और दुकानदारों से अपील की है कि सुरक्षा स्टोर कार्यक्रम में अपने दुकान को पंजीकृत कराएं, साथ ही संपूर्ण प्रशिक्षण देते हुए निर्धारित सुरक्षा मानकों के साथ लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया कराएं और कोरोना वायरस से जारी इस जंग में अपना सहयोग दें। उपायुक्त ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुकानदारों और आपूर्तिकर्ताओं को सुरक्षा स्टोर कार्यक्रम में निबंधन कराते हुए अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सुरक्षा मानक प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश दिया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दुकानदार अपने प्रतिष्ठान में उन उपायों को लागू करेंगे जिससे वह प्रतिष्ठान सुरक्षा की श्रेणी में आ जाएगा और उपभोक्ता सुरक्षित वातावरण में आवश्यक सामग्री खरीद पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही।
कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।